जयपुर जोन आईजी उमेश दत्ता पहली बार बुधवार को अलवर पहुंचे। उन्होंने अलवर पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान अलवर पुलिस लाइन में फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने पुलिस अन्वेषण भवन में जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली। उन्होंने कहा कि अलवर प्रदेश का सिंह द्वार है। अलवर में अगर हालात ठीक रहते हैं तो पूरे प्रदेश में क्राइम की स्थिति कंट्रोल में रहती है। आईजी उमेश दत्ता बुधवार को अलवर पुलिस लाइन में पहुंचे। वहां उन्होंने पौधारोपण किया। यूआईटी की तरफ से पुलिस लाइन में 16 बेड का फिजियोथेरेपी सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर में पुलिस कर्मियों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। सेंटर में अपनी सेवाएं देने वाले एक डॉक्टर व यूआईटी सचिव का सम्मान किया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस कर्मी तनाव में रहते हैं, उनको एक जगह पर बेहतर इलाज मिलेगा। अलवर में बढ़ते हुए क्राइम के ग्राफ पर पुलिस आला अधिकारियों और सरकार का पूरा ध्यान है। पुलिस बेहतर काम कर रही है। अलवर में जल्द ही साइबर थाना खुलेगा। पुलिस कर्मियों को साइबर क्राइम की ट्रेनिंग दी जा रही है। अलवर पुलिस ने कई बड़ी गैंग को पकड़ा है। इन गैंग ने देश के हजारों लोगों से करोड़ों रुपए ठगे हैं। अलवर में क्राइम का ग्राफ कम हो इसके लिए कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पे देखिए, अलवर राजस्थान का सिंह द्वार है, एंट्री प्वाइंट है। ये जितना सुदृढ़ होगा, यहाँ कानून व्यवस्था और जो क्राइम की स्थिति जितनी अच्छी रहेगी और जितना कंट्रोल में रहेगी, उससे सारा इस इलाके में प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित तौर पे वही इसमें प्राथमिकता के साथ टीम वर्क के साथ करने का प्रयास रहेगा। और साथ में जो लोकल क्राइम है, बेशक वो गैंग मूवमेंट हो या कोई भी हो, उसको लेकर कोशिश ये रहेगी कि जवाबदेही फिक्स की जा सके, जिसमें कि सारी हायरार्की जो है वो एक टीम के रूप में काम करे। और उसमें निश्चित तौर पे जो ध्येय वाक्य है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, वो उसके ऊपर उसको चितार्थ करने की प्रयास रहेगा। संगठित क्राइम और साइबर क्राइम को लेकर काफ़ी केस बढ़े हैं, इसको लेकर भी पीएचक्यू की भी प्राथमिकता रहती है। अलवर में केस का जो ग्राफ है वो भी इनमें बढ़ रहा है, संगठित क्राइम का भी, साइबर क्राइम का भी, इसको लेकर क्या होगा? निश्चित तौर पे ये वाला जो एरिया है, ये इस पर मेजर फोकस रहेगा और इसमें निश्चित तौर पे कार्यबद्ध तरीके से इसमें आगे प्रगति की जाएगी।